तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार जय सेवा चैकौड़ वाना जय बड़ा तो जैसा कि अपन गौंडी पुनेम के पांच वंदनी तत्व के बारे में यहाँ पर कर रहे थे इसमें अपन ने सगा और गोटुल के बारे में कर लिया था इसके बाद अपन को करने वाला है कि पेन कड़ा ठीक है इसमें देख लेते हैं कि आचार्य मोती कंगाली जी ने पेन कड़ा के बारे में मतलब क्या लिखा है पेन कड़ा किसे कहते हैं ना तो पैनकड़ा यानी परसपिन शक्ति स्थल जहाँ सभी गणजीवों ने जाकर उसकी उपासना करना चाहिए इस संबंध में जानकारी निम्न परसपेन सुमरन पाटा से प्राप्त होती है यह क्या है परसपेन सुमरन पाटा यहाँ पर उन्होंने दिया है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा गाया जाता है और इसका क्या अर्थ निकलता है वह उन्होंने आगे बताया इस पुस्तक में तो चलिए अपन आगे देख लेते हैं उन्होंने क्या लिखा है इस चराचर जगत की नियमक शक्ति परसापेन है उसे सल्ला और गांगरा तत्व साक्षात माता पिता के प्रतीक हैं उन्हीं सल्ला रूपी दाऊ और गांगरा रूपी दाई सत्वों की क्रिया प्रक्रिया से जीव जगत का प्रदुभाव होता है इसलिए पारी पहाँदी गोपालिंगो सल्ला गांगरा सत्व रूपी परसापेन सजोरपेन फड़ापेन बुड़ाल पेन मुरालपेन सिंगाबोंगा पेन भाई लोटा पेन शक्ति की पेनकड़ा अर्थात शरण स्थल में जाकर सामूहिक रूप से उपासना करना चाहिए पेनकड़ा में जाकर सभी गणजीवों ने सगा गुट सगा मांड सगा सेवा सगा और सगा गणजीवों का कल्याण साध करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए इस तरह पेनकड़ा यह गौंडी पुनेम दर्शन का तीसरा वंदनीय एवं पूजनीय तत्व है तो आज अपन ने परसापन के बारे में जाना कि परसा क्या कहलाता है जो हमारे जो सल्ला गांगरा सल्ला यानी होता है मातृशक्ति और गांगरा यानी पितृशक्ति इनका एक प्रतीक है है ना अगर कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें जय सेवा जय गौड़वाना जय बड़ा